बेसिकली मुझे अपनी ट्रेन को ना यहाँ से राइट लेकर जाना है, तो मुझे आगे से पटरी बदलनी पड़ेगी। मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ भाई, सच में डर लग रहा है। जल्दी से चल के पटरी चेंज कर देता हूँ, ये लेफ्ट साइड पे सेट हो रखी है। मुझे इसे राइट करना, कोई आ रहा है आगे, वो चार्ज से अटैक कर भी दिया। अरे भाई गोली चला भाई, इसने अभी ही अटैक मार दे भाई, ये तो गया। Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं The Horror Train Game. Choo-choo. Charles. वैसे तो इस गेम को मैंने पहले भी खेला हुआ है, बट अभी हेलोवीन का टाइम चल रहा है, इसीलिए गेम में आया है एक बहुत तगड़ा अपडेट, द नाइटमेयर मोड। ये एक ट्रेन है जिसका नाम है चार्ल्स, जो कि इंसानों को मार देती है। और इसकी खास बात पता है क्या है? इस ट्रेन को चलने के लिए पटरी की जरूरत नहीं है। ये ट्रेन किसी टायर पे नहीं, अपने खुद के पैरों पे चलती है, जो कि बिल्कुल एक स्पाइडर जैसे है। हाँ, मतलब एक ट्रेन की बॉडी पे मकड़ी के पैर। तो चार्ल्स को हम लोग ऑलरेडी एक बार पहले भी मार चुके हैं, बट अभी ये दोबारा आ चुका है अपने विकसित रूप के साथ हमें मारने के लिए। Let's see, मजा बहुत आने वाला है, चलते हैं गेम में। All right guys, तो ये था क्लासिक मोड, अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं नाइटमेयर मोड, अ हार्डकोर मोड डिजाइन टू मेक यू रेज क्विट। साफ साफ लिखा गया कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है और बनाया ही ऐसे गया कि हम लोग परेशानों की छोड़ दें। डार्कर एटमॉस्फेयर, बहुत ज्यादा अंधेरा रहेगा। ओनली वन लाइफ, सिर्फ एक ही लाइफ मिलेगी, मर गए तो गेम खत्म। चार्ल्स इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर अग्रेसिव, जैसा कि मैंने कहा था वो और पावरफुल हो चुका है और खतरनाक। लेट्स गो, टाइम वेस्ट नहीं, ट्रेन लेके चलते हैं चार्ल्स को मारने। ऑल राइट गाइस, वेलकम टू द चू टू चार्ल्स नाइटमेयर मोड। बाय द वे, एक सेकंड, ये वही पुराना स्टोरी चल रहा है। ये अंकल कॉल पे बता रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत खतरनाक ट्रेन वाली मकड़ी आ चुकी है, जो कि सबको मार रही है। ये शायद से लास्ट बचा है और बेचारा ये भी मरने वाला है। और ये है चार्ल्स, जिन लोगों ने नहीं देखा देख लो भाई, कुछ ऐसा सा दिखता है। वैसे देखने की जरूरत नहीं है, अभी आ ही जाएगा वो थोड़ी देर में। लेट्स गो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टोरी थोड़ी सी स्किप करते हैं भाई फटाफट। ओके, तो भी अंकल हमें बोट चलाते हुए लेकर आ चुके हैं उस आइलैंड पे जहाँ पे चार्ल्स घूमता है। ये अंकल चाहते हैं हम लोग उन्हें मार दें। अरे कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रहे हो आप? ओके ठीक है, सबसे पहले हमें घर के अंदर जाना है ना, जाना नहीं जाना? तो घर तो लॉक्ड है। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग इन अंकल के साथ भाग के जा रहे हैं उस आइलैंड पे जहाँ पे चार्ल्स रहता है। इनको सब चीज के बारे में मालूम है, क्योंकि चार्ल्स ने इनकी पूरी फैमिली को मार डाला है। और ये चाहते हैं कि हम चार्ल्स को मार के उसका बदला लें, पर पता नहीं इसको क्यों हमारे ऊपर इतना भरोसा है। इस बार वाला चार्ल्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे अच्छे से मालूम है। क्या 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 करना है? ओके, तो ये शैक के अंदर एक ट्रेन खड़ा है, ठीक है, अंदर जाने का मैं दूसरा रास्ता ढूंढना है। ठीक है, अभी ये जो अंकल है वो कह रहे हैं कि सामने एक शेड है, वहाँ पर उधर इस शैक का की पड़ा है। ये जो आप बड़ा सा शैक देख पा रहे हो, इसके अंदर वो ट्रेन है, जिस ट्रेन को लेकर हम लोग चार्ल्स से फाइट करेंगे। मतलब पैदल थोड़ी लड़ेंगे भाई, वो इतनी तेज चलता है ना, चढ़ के चले जाएगा हमारे ऊपर। हमें भी एक ट्रेन चाहिए होगा लड़ने के लिए, और पिटाई होती है तो भागने के लिए। फिलहाल ये है वो शैक जिसके अंदर उस बड़े वाले शैक का की पड़ा है, इसको ओपन करते हैं। बस ये लॉक, ओके ये लॉक नहीं, यहाँ से हमें चाबी मिल चुका है, चाबी उठाते हैं और फटाफट से हम लोग चलते हैं भाई। एक सेकंड, सचमुच में, अरे 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 हेलो, मैं कह रहा हूँ सचमुच में बहुत ज्यादा अंधेरा तो है ही, फॉग भी बहुत ज्यादा भाई, मतलब विजिबिलिटी लिटरली खत्म है भाई। या तो इस जंगल में ना कोई अजीब सा जानवर है, या फिर चार्ल्स अजीब अजीब आवाजें निकाले। ले भाई चाबी मैं लेकर आ गया हूँ, दरवाजा मैंने खोल दिया। चलो भाई, ये खड़ी है अपनी ट्रेन भाई, येलो ब्लैक कलर की प्यारी सी। हेलो, क्या करना है? ओके, ठीक है, जल्दी बातें मत कर, दिमाग के नहीं कर रहा है। ओके गाइस, तो ये है अपना वो क्यूट सा ट्रेन जिसको लेकर हम लोग चार्ल्स से फाइट करने वाले हैं। तो ये है इस गेम का मैप, अभी हम लोग इधर खड़े हैं और ये मैप सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अपने पास भागने के लिए बहुत सारा रास्ता तो है, बट मुझे नहीं पता चार्ल्स कितनी फास्ट है, वो हमारी ट्रेन से तेज चलेगा धीरे चलेगा, नो आइडिया। फिलहाल अभी इससे बात करता हूँ मैं, मुझे ट्रेन पे बैठ कर चालू करने का ट्रेन को। ओके, तो यहाँ पे तीन लीवर है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, बट इतना मालूम है कि जो ग्रीन वाला है वो रेस देखने के लिए, जिससे ट्रेन आगे जाएगा, रेड वाला ब्रेकिंग के लिए, एंड ये येलो वाला रिवर्स के लिए, पीछे ले जाने के लिए। इसमें ये देखो, ये हॉर्न भी होता है मस्त, इसको दबा के फुल साउंड करती है अपनी ट्रेन। बाकी ये है पीछे अपने ब्लूप्रिंट, जिसके थ्रू हम लोग अपने ट्रेन को अपग्रेड कर सकते हैं, बट मुझे इसके लिए स्क्रैप्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। और ये पीछे एक मस्त गन है, जिसके थ्रू हम लोग चार्ल्स से फाइट करने वाले हैं गोलियां चला के। चलो भाई, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, चलाएं क्या ट्रेन? Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. ठीक है। That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island.
यार ये सच में ना अंकल जी बातें बहुत करते हैं, बट ठीक है अभी हम लोग रेडी हैं, फटाफट से रेस देते हैं। दरवाजा तोड़ के जाने वाले हैं क्या? ओ भाई साहब, लेट्स गो। ट्रेन हमने चला दिया है और मुझे मुझे थोड़ा सा डर है कि चार्ल्स हम पे अटैक ना कर दे। भाई आ गया वो, चार्ल्स ने अटैक कर भेजा। अरे भाई गोली चला, भाई इसने अभी ही अटैक मार दे। भाई ये तो गया, ये पहले भी मारा था, इस बार फिर से ये मारा गया। और हमने चार्ल्स को भाई मारा तो बहुत ज्यादा है, अपनी गन जो है वो ओवर हीट हो गई थी और भाई वो मारा जा चुका है। वो जो अंकल जो हमें सारे टिप्स दे रहे थे चार्ल्स के बारे में, जो सब कुछ जानते हैं, वो मारे जा चुके हैं। अपनी ट्रेन तो यहीं पर खड़ी है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, चार्ल्स लड़के जा चुका है और मुझे पता जब वो थोड़ी पिटाई खाता है तो वो थोड़ी देर बाद आता है वापस। मुझे अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है, ट्रेन की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। अच्छा फाइंड माय सन, इसके बेटे को ढूंढना है। अरे भाई भाई तू भाड़ में जा, मैं जा रहा हूँ ट्रेन के अंदर। सच में भाई ट्रेन से बाहर निकलती ना ऐसे फट रही है, पता नहीं क्यों, पूछो मत भाई। ट्रेन थोड़ी बहुत चलती रहेगी ना बढ़िया रहेगा। लेट्स गो, ट्रेन लेके चलते हैं। तो गाइस अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि मुझे मैप के अकॉर्डिंग अलग अलग एरियाज में जाना है। ये देखो ये जो ये है ना, यहाँ पर लोग रहते हैं, मुझे इनसे जाके बात करनी है और इनसे मुझे कुछ अलग अलग टास्क अलग अलग मिशन मिलेंगे। तो जो ऑप्शनल मिशन है ना मैं इन पे नहीं जाता हूँ, ये जो रिक्वायर्ड मिशन है इधर चलते हैं सीधा ब्लू वाले पे। उसके लिए मुझे अपनी ट्रेन को सीधे ले जाना है, यहाँ पे टर्न आएगा वहां से लेफ्ट नहीं लेना है। फिलहाल अभी तो ट्रेन काफी सही चल रही है, मुझे लगता नहीं है चार्ल्स यहाँ पर आने वाला है। और अगर आ भी गया ना तो भाई इतनी भी नहीं फटती, उड़ा दूंगा गोलियों से। वैसे एक सेकंड, इन सब जगहों पर मुझे अपनी ट्रेन रोकनी होती है, मतलब क्या है ना हमें स्क्रैप्स चाहिए होंगे, स्क्रैप्स से मैं अपनी ट्रेन को अपग्रेड कर पाऊंगा यार। बाकी सामने एक मिनट रुक जाओ, मुझे ब्रेकिंग करनी चाहिए, थोड़ी सी रेस दे देता हूँ। हाँ यहाँ पे ब्रेकिंग 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 ब्रेकिंग, थोड़ी सी रेस। यार इतना अंधेरा है ना, सच बताऊँ दिख नहीं रहा है। बेसिकली मुझे अपनी ट्रेन को ना यहाँ से राइट लेकर जाना है, तो मुझे आगे से पटरी बदलनी पड़ेगी। मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ भाई, सच में डर लग रहा है। जल्दी से चल के पटरी चेंज कर देता हूँ, ये लेफ्ट साइड पे सेट हो रखी है। मुझे इसे राइट करना, कोई आ रहा है। अच्छा अबे भाई क्यों फटके हो रही है भाई, पटरी बदलने का साउंड था, मुझे लगा चार्ल्स अटैक कर रहा है। भाई हॉरर गेम रात में नहीं खेलना चाहिए। चलो भाई जल्दी से ट्रेन को आगे बढ़ाओ, अभी अपना ट्रेन राइट साइड पे जाएगा। लेट्स गो भाई, बीच में जो भी स्टॉप्स आ रहे हैं ना मैं इधर स्टॉप लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ स्क्रैप्स कलेक्ट करने हैं। यहाँ पे रुकते हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना इनसे मैं बातें करके इनसे कुछ वेपन्स ले सकता हूँ। अंदर किसी का, ओ हेलो। I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter. You can't earn my respect without making yourself useful. ठीक है, करना क्या होगा? Goons dumped a lot chest in the yard last night. After getting on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. ठीक है. Here, take them. ठीक है चल 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 निकल यहाँ से। ये जो बंदा है ना इसने अपनी यार्ड में एक बहुत बड़ा कोई तो बक्सा रखा है, जिसकी ये चाबी भूल गया है कहाँ पर है, और इसको लॉकपिक से खोलना नहीं आता है। तो इसने हमें लॉकपिक दे दिया है, कह रहा तुम्हें वो डब्बा खोल के लाना है और उसके बाद ये उसके अंदर अपना स्क्रैप्स है, पता नहीं क्या है, बट जो भी मैं इसे खोल दूंगा, मुझे आता है लॉकपिक चलाना। एक दो, ईजी, मुझे बस एकदम टाइम पे क्लिक करना है। दो तीन, खोल दिया भाई। इसके अंदर से हमें मिला है कुछ तो मिला भाई, पता नहीं क्या है, बट सामने लाल कलर की आंख। ओ वेट, नॉर्मल आ गया, मुझे लग रहा था भाई चार्ल्स आ रहा है। भाई सच में चूचू चार्ल्स का इतना ज्यादा खौफ है ना, जहाँ लाल कलर दिखता है ऐसे लगता है कि वही आ रहा है, और हालत खराब हो जाती है भाई। बाकी ठीक है, हर जगह पे ना थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे स्क्रैप्स पड़े रहते हैं जो कि मुझे कलेक्ट करने हैं। देख भाई मैं तेरी चीज लेकर आ चुका हूँ भाई, कर दी भाई। ठीक है, इसने हमें बहुत सारे स्क्रैप्स दिए और कुछ भी नहीं दिया। अब उन स्क्रैप से मैं अपनी ट्रेन को बहुत अच्छे से अपग्रेड कर पाऊंगा। अब जल्दी से बैठकर चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। चलो 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 ट्रेन चलाओ, यहाँ से अपग्रेड करता हूँ मैं। 30 स्क्रैप्स हो चुके हैं मेरे पास। ट्रेन का हेल्थ फुल कर लेता हूँ, स्पीड बढ़ा लेता हूँ, आर्मर बढ़ा लेते हैं, डैमेज बढ़ा लेते हैं और स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ, भागने की ज्यादा जरूरत है अभी। ओके वेट वेट वेट, ब्रेक 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 ब्रेक, मुझे मैप देखना है। वेट, देखो मैं गलत आ गया, मुझे इधर जाना है, तो मुझे ट्रेन को रिवर्स करना है अभी। आने दो आने दो आने दो आने दो, एक सेकंड, बस 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 बस, रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ इतना ज्यादा अंधेरा है। तो अभी ना हमें बस थोड़ा सा रिवर्स और जाना है, ब्रेक मारनी है, बस 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 बस। अरे ब्रेक ब्रेक, उसका घर वहीं रह गया। आगे चलो, मैं भाई घर के एकदम सामने पार्किंग करने वाला हूँ, एकदम सामने, ताकि कल को भागने की जरूरत पड़े तो तुरंत उठ के आऊं। ओके, इसके घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, दीदी बाहर ही बैठी हैं। यस, मैं ही हूं मॉन्स्टर हंटर। दिस इज नो ऑर्डिनरी हंट, माइंड। ओके, वी हैव ऑलरेडी ट्राइड फाइटिंग चार्ल्स। इन लोगों ने पहले भी चार्ल्स से फाइट करने का ट्राई करा है, बट वो इन्हें लपेट देता है। चल चल, करना क्या है वो बता, बातों का टाइम नहीं है। पता नहीं कहां का दिया मैंने, कुछ सुनना इंपॉर्टेंट था। हां तो इसने मुझे कहीं का की दिया है, और वो की है इस जगह का। है क्या भाई, रुको तो देख के तो आने दो। साउथ माइन, भाई ये कोई माइन है। द मोब इज हाइडिंग एन इंपॉर्टेंट एग इन, भाई उसके अंदर कोई एग है, मुझे वो लेकर आना है। मुझे थोड़ी वो चीजें याद तो आ रही है इस गेम की, बट ठीक है अभी चलते हैं वहां पे फटाफट से, इंपॉर्टेंट मिशन है तो जाना ही पड़ेगा। एक सेकंड रुको, राइट साइड में कुछ है।
वेट अ सेकंड गाइस, राइट साइड में कुछ है, राइट साइड में कुछ तो है भाई, मैं चल के देखूंगा। ओ ये कौन है? अरे अंकल आपका घर जल गया, बारिश में भी नहीं भूज रहा आपके घर तो। ओके हे अंकल ने चार्ल्स से बचने के लिए एक फ्रेम थ्रोअर बनाया था और अपना ही घर जला लिया। मुझे क्या अभी आपके घर की आग बुझानी है? ओ ओ अबे कौन आया? अबे खत्म, एक ही लाइफ थी ना इसमें तो। सच में गेम को अलग लेवल हार्ड करा है। पहले चार्ल्स ऐसे घरों में नहीं घुसता था। नाइटमेयर मोड है तो क्या मतलब? कुछ अंधेरा था ठीक है, ये सरप्राइज अटैक कैसे? हाँ माना फास्ट हो गया, बट पहले मैंने गेम पूरा एंड करा भाई, ये ऐसे नहीं आता था घरों के अंदर तो, मतलब ऐसे मिशन के बीच नहीं आता था भाई ये। भाई मतलब अभी हमें एक एक सेकंड का ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ल्स आसपास भी ना घूम रहा हो। सच में गेम को बहुत हार्ड कर दिया है। एक तो ये वन टाइम है भाई, अगर हम लोग कहीं पर भी एकदम एंड मोमेंट पे भी मरते हैं, चार्ल्स ने मारा, गेम कंटिन्यू नहीं होगा शुरू से। जिन लोग को नहीं मालूम तुम्हें बता देता हूँ, चार्ल्स को मारने के लिए ना हमें बहुत सारे मिशन करने पड़ते हैं, 3-4 एग कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसे एक टेम्पल में ले जाके रखना पड़ता है, उसके बाद चार्ल्स आता है, उसके बाद फाइट होती है, और इस फाइट के लिए हमें अपनी ट्रेन को बहुत अपग्रेड करना होता है, ट्रेन के अंदर बहुत सारे वेपन्स लगाने होते हैं, बहुत सारी चीजें इस गेम में। आज के साल वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।